नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो लगभग 30% चांस है कि आप हाई ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हो। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए आप मेडिसिन खा रहे हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा, क्या आप जो मेडिसिन खा रहे हैं वो बंद हो जाएगी कि नहीं होगी? क्या होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो जाती है ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की? और क्या आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है? तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है, ये सब मैंने पहले वीडियोस में बताया है, तो उन वीडियोस के लिंक दे देता हूँ। मैं सिंपली समझा देता हूँ कि अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 140 से ऊपर चला जाए, मतलब ऊपर वाला 140 से ऊपर चला जाए, तो वो हाई ब्लड प्रेशर है। और अगर आपका नीचे वाला ब्लड प्रेशर, मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर चला जाए, तो वो हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन आजकल 130 से ऊपर जाते ही डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप हॉस्पिटल जाते हैं, कोई और प्रॉब्लम के लिए जाते हैं और डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा होने के कारण 130, 140, 145, 150 सिस्टोलिक या डायस्टोलिक 90 से ऊपर होने के कारण आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाइए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप वहाँ से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाना चालू कर देते हैं। दोस्तों, जो आप एलोपैथिक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए, सबसे पहले उसमें एक डायुरेटिक्स मेडिसिन्स होती हैं। कुछ डायुरेटिक्स मेडिसिन्स खाते हैं जिससे आपको पेशाब ज़्यादा लगती है, जिससे सोडियम जो है शरीर का, वो जो ज़्यादा सोडियम है या सोडियम वो कम कर देती है, पेशाब के थ्रू निकाल देती है, साथ में वाटर निकाल देती है। पेशाब ज़्यादा होता है तो आपको, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में सोडियम और वाटर थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, दूसरी तरह की मेडिसिन होती है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं? सिंपली आपके हार्ट रेट को थोड़ा धीमा करती हैं, एक तरह से हार्ट को थोड़ा धीमा करती हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है। तीसरी मेडिसिन होती है अल्फा ब्लॉकर्स। दोस्तों, अल्फा ब्लॉकर्स क्या करती है? जो आपके ब्लड वेसल्स के आसपास जो नर्व्स होती हैं, जिसके कारण उन्हें पता चलता है कि ब्लड वेसल्स, जो आपकी आर्टरीज है, उसे सिकुड़ना चाहिए, उन नर्व्स में असर करती हैं और जो ब्रेन से आने वाले संकेत हैं उसे थोड़ा कम कर देती हैं, जिसके कारण ब्लड वेसल्स जो हैं वो सिकुड़ते नहीं हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट टाइप की जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है वो है ACE इनहिबिटर। दोस्तों, ये एक तरह का हार्मोन, एक तरह का एंजाइम प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, वैसो डायलेशन हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और लास्ट में ARBs मेडिसिन्स होती हैं, जो कि जो ब्लड वेसल्स के बगल में आसपास की जो मसल्स होती हैं वहाँ पर जो हार्मोन्स होते हैं, जिससे मसल कंट्रैक्ट होगी और फिर उसके बाद आपकी नसें कंट्रैक्ट होंगी, उसके बाद नसों के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, तो उसको यूज़ करने से मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती और ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स में, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन में एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी मिली हुई रहती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, तो ऐसे व्यक्तियों को वो मेडिसिन दी जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो कैसा काम करती है। एलोपैथिक मेडिसिन मोस्टली जब आप मेडिसिन लेंगे तब असर करेंगी, 24 घंटे 48 घंटे, मान लीजिए 3 दिन 4 दिन तक उनका असर रहता है। मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना असर करती है, उसके बाद उनका असर कम हो जाता है। 2-3 दिन तक अगर आप नहीं लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। तो आपको इसीलिए मेडिसिन जो है वो कंटिन्यू यूज़ करनी पड़ती है। और फिर क्या होता है कि आप लगातार यूज़ करते हैं तो फिर आपके शरीर को उस मेडिसिन की आदत हो जाती है, और अगर आप वो मेडिसिन नहीं लेते तो और प्रॉब्लम होती है। जैसे डायुरेटिक्स ले रहे हैं आप तो पेशाब आपको ज़्यादा आ रही है, मेडिसिन नहीं लेंगे तो और आपके शरीर में सोडियम बढ़ेगा और आपका ब्लड प्रेशर और तेज़ी से बढ़ने लगेगा। ऐसे ही और मेडिसिन्स भी काम करती हैं, तो इसीलिए आपको ये मेडिसिन लगातार लेनी पड़ती है। कभी कभी किसी किसी कंडीशन में इसकी पोटेंसी, मतलब इसका पावर भी आपको बढ़ाना पड़ता है। डॉक्टर को हर 2-3 साल में आपको दिखाना पड़ता है और डॉक्टर थोड़ी सी मेडिसिन चेंज करते हैं और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और आप उसे लगातार खाते रहते हैं। तो क्या ये मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो सकती है? अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें
तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन असर कैसे करते हैं। मैं मोस्टली जो मेडिसिन देता हूँ वो है स्वान बीपी कॉम्बिनेशन, जिसमें कि रॉयल फियर सर्पेंटाइना, क्रेटेगस मदर टिंचर और पैसिफ्लोरा मदर टिंचर है। इसके अलावा ग्लूनाइन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। तो हम चार मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो पहली मेडिसिन है रॉयल फियर सर्पेंटाइन। इसको लेने से आदमी का दिमाग रिलैक्स होता है और लगातार लेते रहते हैं तो जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो कम हो जाता है और पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो एक तो ये ऐसा काम करती है, दूसरा ये वैसोडायलेटर भी है, तो वेसल्स को तुरंत डायलेट कर देती है जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तीसरा इसके अंदर डायुरेटिक्स गुण भी है, तो इसको लेने से थोड़ा पेशाब ज़्यादा आती है जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि ये नेचुरल मेडिसिन है तो इसकी आपको आदत नहीं लगती और धीरे 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 ये हील कर देती है, ये अंदर से आपको हील कर देती है और धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। उसके बाद आप ये मेडिसिन धीरे 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 करके, एकदम से बंद करेंगे तो फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मेडिसिन बंद करेंगे तो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। दूसरी जो मेडिसिन है वो है क्रेटेगस। दोस्तों क्रेटेगस जो है वो आपके हार्ट मसल्स को इम्प्रूव करती है, हार्ट को इम्प्रूव करती है और साथ ही साथ जो हार्ट की रेदमिसिटी है, मतलब जो जैसा उसे धड़कना चाहिए नॉर्मली, तो वैसा उसको लाने में, नॉर्मलाइज करने में बहुत मदद करती है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर धीरे 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 कंट्रोल हो जाता है। और इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हार्ट डिसीजेस, हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो क्रेटेगस मदर टिंचर। अब तीसरी पैसिफ्लोरा। दोस्तों पैसिफ्लोरा आपको रिलैक्स करती है, आपको नींद अच्छी आती है, आपको चिंता नहीं होती। मोस्टली ब्लड प्रेशर क्यों होता है, सेडेंट्री लाइफ के कारण, चिंता करने के कारण, नींद समय पर ना लेने के कारण, ज़्यादा खाना खाने के कारण, तो ये सब कारणों से आजकल ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से लोगों को बढ़ने लगा है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। तो पैसिफ्लोरा सेडेंट्री लाइफ को थोड़ा कम करती है, नींद सही टाइम पे आएगी, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। तो ये तीन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है स्वान बीपी कॉम्बिनेशन। मेरा वीडियो आपने देखा ही होगा, वो मेडिसिन लेंगे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका ब्लड प्रेशर तुरंत थोड़ा सा कम होगा। फिर धीरे धीरे आप 4-5 दिन लेंगे तो धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 180/100 है, आज से आपने दिन में 3 बार स्वान बीपी कॉम्बिनेशन 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना चालू किया, तो कल आपका ब्लड प्रेशर 170/95 आएगा, नेक्स्ट डे 165/90 आएगा और धीरे धीरे करके वो नॉर्मल की तरफ जाएगा और फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो जैसे ही वो काफ़ी नॉर्मल हो तो एलोपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे आप कम करिए, मतलब उसकी पोटेंसी कम कर दीजिए। जैसे 0.5 ले रहे हैं तो उससे कम लीजिए, फिर उसके बाद और कम लीजिए, एक गोली खा रहे हैं तो आधी गोली खाइए, 2 गोली खा रहे हैं तो एक गोली खाइए, ऐसे करके आप धीरे धीरे कम करिए, देखिए, ऑब्जर्व करिए और डॉक्टर के संपर्क में रहिए। धीरे धीरे करके एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो जाएगी और होम्योपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू करिए और उसके बाद देखिए कि कैसा है आपका प्रॉब्लम और ठीक हो रहा है ब्लड प्रेशर कि नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है तो मेडिसिन कंटिन्यू रखिए। ठंडी में हो सकता है थोड़ा बढ़े तो मेडिसिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिए, जैसे आप 10 बूंद गर्मी में ले रहे हैं तो 20 बूंद आप ठंडी में लीजिए। उसके बाद 1 साल 1.5 साल डिपेंडिंग कि आप कब से आपको प्रॉब्लम है, अगर 10-12 साल से है तो 1-1.5 साल लगेगा और धीरे धीरे आपकी पूरी मेडिसिन बंद हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, बशर्ते कि आप थोड़ी सी नींद समय पे लें और खाने में ध्यान रखें। तो बस इतना ही आपको करना है और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया हो, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड, कॉम्बिनेशंस, लाइफ क्लिनिक, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं इस चैनल पर, तो लाइक और खासकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों नीचे मैसेज सेक्शन है, तो ब्लड प्रेशर की अगर आपको प्रॉब्लम हो और कुछ भी आपको पूछना हो तो मैसेज ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, अपने जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको शेयर कर दीजिए। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतने, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।